सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इस लिंक को दबाइए, इससे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं और आप मेरे ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं। तो इस ग्रुप पे मैं आपको बताऊंगा जब भी मार्केट ओपन होगा, मार्केट आवर्स के अंदर मैं आपको कॉल्स प्रोवाइड कराऊंगा जिस पे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो ये मेरे व्यूअर्स के लिए है। तो अभी आपने अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड नहीं करा है तो अभी जाकर डाउनलोड करिए और इस लिंक को दबा के मेरे चैनल पर तुरंत ऐड हो जाइए। अभी कुल 1000 पीपल्स ऐड हो चुके हैं और भी ऐड हो जाएंगे तो आपको शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। हे गाइस, स्वागत है आपका इंट्राडे गाइड पे और मैं हूँ आपका दोस्त शिवाज वसीम। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ जो रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड है वो एक जो मल्टी बैगर बन चुका है, क्योंकि हम सब जानते थे कि वो कि राकेश झुंझुनवाला के पोर्टफोलियो में भी था और बड़े दिग्गज जो हैं लोग उनके भी पोर्टफोलियो में ये स्टॉक था। और हमने देखा था कि 2017 का ये एक आउट परफॉर्म स्टॉक था, बहुत अच्छे रिटर्न्स इस स्टॉक ने दिए थे। पर अब हमने देखा कि जिस तरीके से ये गिर रहा है, क्योंकि इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट आया वो अच्छा नहीं आया, तो वो गिरने का रीज़न क्या है तो मैं आपको चार्ट्स में लेकर चलूंगा, उस पर मैं आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा कि अब इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ बन पा रहा है, अब हमें इसे बाय करना चाहिए और अब हमें इसे सेल करना चाहिए, क्या इसका एक स्ट्रांग सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वो सारी बात मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और मैं आपको चार्ट में भी आपको मैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी दिखाऊंगा कि जो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव इसका रिजल्ट आया, वो सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैं आपको पहले एक खास बात बताना चाहूंगा, जो व्यूअर्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं जो नए हैं स्टॉक मार्केट पे या जिन्हें स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझना है या अगर उसके जो मोमेंटम है उसे एनालाइज करना सीखना है, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर स्टॉक मार्केट को आपको अच्छे से समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, मैक्रो इकोनॉमी हमारी कैसी चल रही है, क्योंकि जो भी न्यूज़ेस आती है उस न्यूज़ से हमारी स्टॉक मार्केट रिलेट करती है, इम्पैक्ट करती है। तो वो सारी जो आपको खबर होनी चाहिए वो आपको बहुत से डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स के अंदर मिलती है, वरना आपको बहुत से डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के अंदर मिलती है। तो आप सारे न्यूज़पेपर्स को आप पढ़ नहीं सकते और सारे न्यूज़ चैनल्स को आप पढ़ नहीं सकते, तो बहुत रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आप नहीं ढूंढ पाओगे कि ये स्टॉक मार्केट के लिए इम्पैक्ट कर सकती है। तो वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मेरा एक वेबसाइट शो कर रही होगी, इंट्राडे गाइड thread.blogspot.in। तो यहाँ पर आप जाके विजिट कर सकते हैं। जब यहाँ पर आप विजिट करेंगे तब आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर मैंने बहुत सी यूजफुल न्यूज़ के जो न्यूज़पेपर्स और जो न्यूज़ के अंदर जो खबरें आती हैं वो मैंने इस वेबसाइट के अंदर अपलोड करके रखी हुई है, जिससे आप पढ़ के अगले दिन मार्केट में क्या ट्रेड बन सकता है उसके बारे में भी समझ सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर नीचे जा सकता है, मार्केट का सेंटिमेंट कैसा है, क्योंकि हमारी इंडियन मार्केट बाहर की मार्केट पे भी रिलेट करती है, यूएस मार्केट हो गया, एशियन मार्केट हो गया, हांगकांग मार्केट हो गया, तो वो सबकी खबर अगर आपको पता होगी तो आप खुद समझ पाएंगे कि हाँ अब मैं अपने जो मार्केट है उसके सेंटीमेंट्स को समझ पा रहा हूँ, क्योंकि सेंटीमेंट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक बार आप इस वेबसाइट पर जाके विजिट करिए, वहाँ की न्यूज़ पढ़िए, अगर आप न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ मार्केट में ये चल रहा है, अब ये हो सकता है, तो वो सारी न्यूज़ आपको फ़ायदा करेगी स्टॉक मार्केट पे अपनी एक हम कह सकते हैं करियर बनाने के लिए, अगर आपको करियर बनाना है। तो अब शुरुआत करते हैं रेन इंडस्ट्रीज की तरफ से। तो अगर मैं आपको पहले इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की तरफ लेकर जाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिसंबर 17 और मार्च 18 का शो कर रहा है। तो नेट सेल्स की बात करें तो नेट सेल्स में 5% का हमें इंक्रीज देखने को मिला है। तो हम कह सकते हैं कि जो 3150 करोड़ का जो इसका नेट सेल था प्रीवियस क्वार्टर में, अब वो 3300 करोड़ का सेल आ गया था। पर ज़्यादातर हम देखते हैं कि हमें सेल नहीं, हमें नेट प्रॉफिट और मार्जिन की सबसे ज़्यादा मार्केट को देखता है कि मार्केट में हम अगर किसी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं तो हम सबसे पहले दो चीज़ें देखते हैं कि उसका नेट प्रॉफिट कैसा आया और उसका मार्जिन कैसा आया प्रीवियस क्वार्टर के थ्रू, उसके हिसाब से हम अपनी बाइंग और सेलिंग पोजीशंस को मेंटेन करके रखते हैं।
तो हम देख पाए, अगर हम देखें तो जो 307 करोड़ का जो प्रीवियस क्वार्टर रिजल्ट था, नेट प्रॉफिट था, उसमें अब डिक्रीज आया है, 18.24% का चेंज आया, जो कि 251.16 करोड़ आया है इस क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर। अगर मार्जिन की बात करें तो मार्जिन में भी हमने डिक्रीज आते हुए देखा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, आपको शो कर रहा होगा 21.85% जो मार्जिन था दिसंबर 2017 में, अब वो 19.38% मार्जिन आ चुका है मार्च 2018 के अंदर, यानी कि 2.5% का डिक्लाइन हमें देखने को मिला है मार्जिन के अंदर। तो ये हम कह सकते हैं कि ये स्टॉक के लिए एक अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि हम देख रहे थे कंटिन्यूअसली ये स्टॉक क्वार्टरली टू क्वार्टरली बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रही थी, पर इसने कुछ 2-3 क्वार्टर प्रीवियस के लो को तोड़ा और वहाँ पर हमने मार्जिन के लो को तोड़ते हुए देखा। क्योंकि हम कह सकते हैं कि यहाँ से प्रीवियस फोर्थ क्वार्टर की बात करें, अगर हम मतलब हम कहें कि मार्च 2017 में जो इसका मार्जिन था वो 24% का मार्जिन था, और वहाँ से अगर हम एक साल की बात करते हैं जो अब मार्च 2018 आ गया है, वो है 19.38, तो हम कह सकते हैं कि कंसिस्टेंट डिक्रीज हमें इसमें अंदर देखने को मिला है। तो ये कुछ खास बातें थी जो मैंने आपको बता दी हैं, जो भी इसका रिजल्ट आया है। अब चार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट और जो मूविंग एवरेजेस है और RSI है, उनके बेसिस में ये स्टॉक कितनी डाउनसाइड है अपसाइड दिखा सकता है। तो वो सारी डिस्कशन हम इस चार्ट में अब जाके करते हैं। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ, देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ से आप 0% का जो लेवल देख रहे हैं वो इसका हाई है, जो उसने हाई बनाया था अभी तक का, और उस हाई से हम कह सकते हैं कि अब जो आपको ये रिट्रेसमेंट शो करते हैं 38.2% का, 50% का, 61.8% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये एक हर्डल होता है जिसे वो पार करता है, तो हम कह सकते हैं वहाँ से अपसाइड या डाउनसाइड आते हुए देखने को मिल सकती है। तो हम कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ से इसने गिरना शुरू करा था, तो उसके बाद हमने देखा था कि फिर इसने अपसाइड दिखाई, पर उस 38.25 फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ये क्रॉस नहीं कर पाया और हमने वहाँ से डाउनसाइड आते हुए देखी। तो हमें चार्ट स्ट्रक्चर ने खुद ही बता दिया था, इस चार्ट पैटर्न ने हमें खुद ही बता दिया था कि अगर इस कंपनी के रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं, नेगेटिव आते हैं, तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी इस स्टॉक को प्राइस मोमेंटम को ऊपर या नीचे लेकर जा रहे हैं, वहां से हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। और हम देख सकते हैं कि जो 38.25 का रिट्रेसमेंट था, जहाँ की 340 का जो लेवल था, वहीं से हमें आया कि इस रेन इंडस्ट्रीज ने जो इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो पुअर आए हैं, और वहाँ से हमने इस 58% के रिट्रेसमेंट को भी तोड़ते हुए देखा था, और आज हमने 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट में अपना लो बनाया है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि इसने सपोर्ट लिया है इस रिट्रेसमेंट पे। तो आप देख सकते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट कितना एक्यूरेटली हमें बताता है कि अब यहाँ से हमें मोमेंटम या डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। तो जो आज रेन इंडस्ट्रीज ने अपना लो बनाया है, वही इसका रिट्रेसमेंट लेवल था जिसने यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए हमने देखने को मिला है। तो अगर डेली चार्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी इसने क्रॉस कर दिया, जो कि 300 का लेवल था। अगर हम वीकली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं तो वीकली चार्ट में एक स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल इंडिकेट पहले ही कर दिया था, क्योंकि अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी होगी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन से स्टॉक्स आप कैसे चुन सकते हैं, कौन से इंडिकेटर लगा के चुन सकते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। देखिए, 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 26 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अगर 13 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 26 को क्रॉस करती है तो हम कहते हैं कि वहां से डाउनसाइड शुरू हो गई है। तो वीकली चार्ट में जैसे ही इस लेवल से, यानी कि 370 के लेवल से ही इसने अपने 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करा था, हमने वहां से डाउनसाइड कर दी थी और मैंने इस रेन इंडस्ट्रीज को वहां से शॉर्ट कर दिया था। तो आप देख सकते हैं कि इसने इस लेवल को हमने तोड़ा, और वीकली के अंदर ही हमने देखा कि इस लेवल पे यहाँ पर 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे इसने अपनी क्लोजिंग दी है। तो आज मैंने अपने जो शॉर्ट्स थे वो कवर कर लिए हैं और मैं प्रॉफिट लेकर निकल गया हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता अगर वो इस लेवल के नीचे गिरता है तो हम ज़्यादातर बहुत अच्छी डाउनसाइड पा सकते हैं, पर अपसाइड अगर हम देखने को मिलते हैं तो अपसाइड में ये बहुत ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है। अगर अभी हम स्टॉक की बात करें तो 250 के पास इसने अपनी क्लोजिंग दी है, तो
तो अगर हम इसका एक स्टॉप लॉस मान के चलते हैं कि अब हमें यहाँ से एक रिस्की ट्रेड लेना है, तो अगर हम इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान के चले, तो इसका 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वीकली चार्ट के अंदर, जो कि हमें 210 का शो कर रहा है। तो 210 का मैं स्टॉप लॉस मान के ट्रेड करना चाहिए। अगर कल हमें मार्केट में नीचे मिलता है और 210 के आसपास मिलता है, तो हम इसे बाय कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम 200 डे के लिए वेट करें तो वो 150 का लेवल है, और मुझे नहीं लगता रेन इंडस्ट्रीज वहां तक जा सकता है। वीकली चार्ट में 210 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, और रेजिस्टेंस की बात करें, जिस तरीके से ये गिरा है, तो 330 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जिसे वो शायद क्रॉस ना करने की कोशिश करे। तो 330 के रेजिस्ट और 210, ये एक हम कह सकते हैं बन चुका है इसके लिए, तो आप इसी के बीच में रेंज कर सकते हैं। एक रेंज बन चुकी है 330 और 210 के बीच में, जिसके पास अगर आपको ये रेन इंडस्ट्रीज मिलती है, तो वहां से आप अपनी बाय और सेल को इनिशिएट कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा नीचे उस मोमेंटम या उस इंडिकेटर के नीचे आपको लगा के उस स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते ऊपर की तरफ, अपसाइड या नीचे की तरफ, डाउनसाइड की तरफ आप अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। तो ये रेन इंडस्ट्रीज के लिए मैंने आपको बता दिया, ये इंडिकेटर आप अपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए लगा सकते हैं। अगर आपको इसे बहुत अच्छे से समझना है, तो हम कह सकते हैं कि आप मेरी वो वीडियो देख लीजिए, वो वीडियो में इस वीडियो के आखिरी में आपको शो कर जाएगी, या आपको वो डिस्क्रिप्शन में भी शो कर जाएगी। अगर मैं आपको RSI के बेसिस में बताऊं, तो आपको RSI यहाँ पर देख रहा होगे आप कि 35 का RSI आपको शो कर रहा है वीकली चार्ट के अंदर, और अगर हम डेली चार्ट के अंदर बढ़ते हैं, तो डेली चार्ट के अंदर यहाँ पर आपको 22 का शो कर रहा है, मतलब ये ओवरसोल्ड पोजिशन में चला गया है, और यहाँ से अब हम कह सकते हैं कि ये और अपसाइड दिखा सकता है। अगर कल के मार्केट में ये गिरना शुरू होता है, तो हम कह सकते हैं कहाँ तक गिर सकता है, 210 के आसपास जा सकता है, वहाँ से आप इसे बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, और अगर ये बढ़ना शुरू करता है तो ये 330 तक जा सकता है, तो वहाँ से आप इसे सेल करने की इनिशिएट कर सकते हैं। तो मतलब आप दोनों तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैंने आपको एक इनिशिएट रेंज बता दी है कि ये रेंज हमें कहाँ तक शो कर रही है, तो इस रेंज के हिसाब से आप अपने टारगेट और स्टॉप लॉस को मेंटेन करके प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आप लेटेस्ट अपडेट्स इन्फॉर्मेशन पा सकें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये मैंने लिंक शो करा हुआ है, जिससे अगर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर करियर बनाना है, आपको न्यूज़ रिलेटेड स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट्स को क्लीजली फॉलो करना है, समझना है, तो आप इस वेबसाइट के अंदर जाके न्यूज़ को पढ़ सकते हैं, जो मैं डेली अपडेट्स में वीडियोज़ न्यूज़ डालता हूँ, वहाँ पर जाके अगर आप वो न्यूज़ पढ़ेंगे, तो आपकी एक तो जो मार्केट की सेंटीमेंट्स है, आप उसे अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे, अपनी इकोनॉमी को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और बाहर की जो इंडियन इकोनॉमी के अलावा जो मार्केट है, उसको भी आप अच्छे से समझ पाएंगे, जिससे आप इजिली मार्केट के सेंटीमेंट्स को फॉलो करने में कामयाब रहेंगे। तो यही वीडियो के साथ मैं समाप्ति देता हूँ। तो मैं शिवांश भसीन मिलता हूँ आपसे कल नई वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।